भाइयों बहनों, आज बहुत दिन बाद बजावा गांव में आने का मौका मिला है और पहली दफ़ा ये फील्ड डे, जैसे मुझे बताया फील्ड डे, इसमें आप लोगों के साथ, सबके साथ या किसी भी और गांव में किसी भी और किसानों के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। दो बातें आपके सामने रखी। हनुमान प्रसाद जी ने कहा कि कृषि को हमको किस तरीके से बढ़ाना है, और दूसरी बात निरंजन जी ने बताई कि पानी को हमको बचा के क्या करना है। पानी नहीं बचेगा तो आगे क्या आने वाला है, ये बस हम विचार ही कर सकते हैं, शायद विचार भी नहीं कर सकते हैं कि क्या बुरा होने वाला है। केवल बजावा का नहीं, पूरे चिड़ावा पंचायत समिति का, पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का, पूरे राजस्थान का, और एक समय आएगा जो भगवान न करे पूरे भारत देश का बुरा होने वाला है। पानी एक तरीके से अमृत है, और अमृत को जब पिया जाता है तो अमृत को बहुत थोड़ा थोड़ा बचा बचा के पिया जाता है। अमृत को ऐसे ही उठा के फेंक नहीं दिया जाता। और जो भी सिचुएशन रही, गवर्नमेंट की पॉलिसी रही या किसानों को मालूम नहीं था उसकी वजह से हुआ, पानी की बर्बादी बहुत अधिक हो रही है। अपने चिड़ावा पंचायत समिति में भी हो रही है। बजावा गांव का खासकर मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन अगर सब जगह हो रही है तो शायद बजावा गाँव में भी हो रही हो। आप लोगों ने सुना होगा कुछ वर्ष पहले पानी के पीछे गंगानगर में गोली चल गई थी। सुना है आप लोगों ने? गढ़साना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ही तो हुआ, गोली चल गई थी। और ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। ये जब तक हम लोग चेतेंगे नहीं पानी के लिए, जब तक हम लोग पानी के बचाने के लिए काम नहीं शुरू करेंगे, एक समय आएगा ये स्थिति आगे बढ़ती जाएगी और अपने समाज का बहुत बुरा करेगी। जैसे निरंजन जी बोले कि पानी आपनो दुश्मन हो जाओगे अगर आपा पानी ने बर्बाद करांगा। दूसरी बात कृषि की बात बताई। इजराइल वगैरह देश में जो बिल्कुल रेतीलो हुआ, उनकी जमीन एकदम खराब हो, बटे भी दुनिया में सबसे ज्यादा फसल हो, वो लोग अयाल की तकनीक यूज करी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फसल इजराइल में हुआ, एक बीघे में, एक हेक्टेयर में, एक एकड़ में, जो भी गिनती कर ले। और अपने देश की बात कर ले तो पंजाब ने गिन लो, पंजाब में जितनी खेती हुआ, पंजाब में जितनी उपज हुआ, उतनी उपज इभी ताई भारत देश में कट्ठे को नहीं हुई। एक समय पंजाब में हरित क्रांति हुई थी और पंजाब जो है वो पूरे देश ने अनाज खिलातो तो थाने बेरोई है, मैं चार बात में नहीं को नहीं बोल रहे हो, पूरे देश में पंजाब से अनाज जातो तो सब लोग बोलिया करता कि पंजाब जो है वो मारो मारो अनाज को अन्नदाता है। ये पंजाब की स्थिति भी खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? इसलिए नहीं खराब हो रही क्योंकि जमीन खराब होगी, इसलिए खराब हो रही है कि बटे पानी की इतनी अधिक बर्बादी हुई, इतनी अधिक बर्बादी हुई। सब जगह पानी तो कर दियो फ्री, या पानी की लागत जो बिजली की लागत लागे वो कर दी बहुत कम। तो जो भी किसान है उनकी सोच है बोले पानी तो धरती में से निकले, बहुत पानी पानी है, चलाओ पंप ने। और जो चलायो पंप ने, पंजाब में भी पानी खूब नीचे चलियो गयो, और चिड़ावा में भी थे जानो पानी खूब नीचे चलियो गयो, और ये हालत आगे भी आने वाली है। तो कृषि की तकनीक आपने बदलनी पड़ सी जी। में पानी बचे और पानी बचे और किसान की आमदनी कमती नहीं हुआ बल्कि बढ़ है। जो भी एक्सपेरिमेंट होया है
875 किसाना का, उमे बजावो में भी 25 किसान है, बजावा का भी 25 किसान है, मन्ने बतायो पानी तो होगो आदो और फसल बढ़गी ड्योडी, कठे कठे भी दूनी भी हुई, तो पानी तो होयो आदो और फसल हुई ड्योडी या दूनी, तो किसान को तो फायदो ही फायदो होयो। लेकिन अगर एक बार हुई और वही चीज आप बार बार नहीं करांगा, तो फिर एक बार को फायदो के फायदो, और फिर 25 किसान हो रहा करेगा लेकिन 25 को मल्टीप्लाई होके 100 को नहीं होगा, तो फिर बजावा गांव में 25 को ही तो फायदो होयो, 100 को फायदो तो आद को नहीं होयो। तो बाकी जो 75 किसान है या जितना भी हो रहे और किसान है, उन्होंने भी ये टेक्निक दूसरा से सीख के अपनानी पड़ सी, और जब अपनाओगा पानी आदो फसल ड्योड़ी तो आमदनी भी ड्योड़ी नहीं तो दूनी। और टेक्निक अगर अपनाओगा तो उमें आपने जितो फर्टिलाइजर डाले वो भी कम थी, और वो जो डिजीज लग जावे प्लांट में वो भी खत्म हो जावे या बहुत कम लग जावे, उनको खर्चो भी कमती से कमती। तो आपनी तो आमदनी आमदनी है जी, दोनों हाथ जो है आपा जीम रहे हैं। अब इसे भी तो आगे आमदनी बढ़ानी है, आपा उरे तो रुकना को नहीं। जितनी फसल हो है या जितना और काम हो है, जितनी भी उपज हुआ गांव में, उन्हें अपना आपा वैल्यू एडिशन करके बाजार में बेचा। और केवल चिड़ावा गांव में क्यों बेचा, आपा जयपुर क्यों को नहीं जावा, आपा दिल्ली क्यों को नहीं जावा, लेकिन दिल्ली में गेहूं सरसों तो बिके को नहीं, तो दिल्ली में आपा उन्हें कोई वैल्यू एडिशन करके बेचांगा। मान लो आंवलो है मुरब्बो बना लियो, मान लो नींबू है उनको अचार डाल लियो, मान लो दूध है उनको घी बना लियो। इस तरह से अगर आपा वैल्यू एडिशन करांगा तो अपनी आमदनी और बढ़ेगी। और यो काम खेती को काम तो मर्दा करे, और यो सब जो काम है ये औरतां करे घर के अंदर, तो दोनों को काम होगो, औरतां भी लग गई आमदनी करने में, मर्दा भी लग गया आमदनी करने में, और जो गांव का जो यूथ है छोरा भी ये काम में लाग सके, छोरा तो दोनों काम कर सके, खेती भी करेगा वैल्यू एडिशन भी करेगा, बाजार भी जावेगा बाजार में जाके उपज बेच के आवेगा और दूर दूर बेच के आवेगा दूर दूर में। कल ही मेरी बात हो रही थी निरंजन जी से, आपने एक किसान भाई पूछो, बोली जी आपने दूध को दाम तो भाई जो आपने खुद ने सोचनी पड़ सी कि आपा के करा, आपा खूब पंडू बन के को नहीं बैठ सका, खूब पंडू का अगर बन के बैठ जावांगा तो बस वो कुएं में ही रहवांगा, कुएं को ही पानी पीवांगा, और जब कुएं को पानी सूख जाओगो तो आपा बैठे ही रह जावांगा, टैं बोल जाओगो। तो ये भाया ध्यान रखना पड़ सी, नहीं तो माजी कुंड को कुंड ने बढ़ा के तो आगे बढ़नो पड़ सी ना, केवल कुंड में थोड़ी रह जावांगा आपा आगे भी तो बढ़नो है, गांव को उत्थान गांव कर सके। माजी ये तो थे मानो ना कि गांव को उत्थान गांव कर सके, क्यों माजी सुनो मेरी बात ने, गांव को उत्थान तो गांव कर सके, तो कोई बारनी हो आके तो गांव को उत्थान को नहीं कर सके। गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है, गवर्नमेंट कितनी आई और उते उत्थान करके गई गांव को, कोई तो को नहीं करी। तो जब गांव वाला गवर्नमेंट के पास आगे गया, बोले जी थारी ये स्कीम है माने भी दो, ठीक है, तो तब वो स्कीम उरे आई, वो भी सगड़ा के को नहीं आई, दो चार किसाना के आई, दो चार घरा में आई, तो वो सब करके है तो दो चार को फायदो होयो, लेकिन होयो कहीं थे लोग गवर्नमेंट के पास गया तब तो होयो, एसडीएम के करने गया, सरपंच के करने गया, कलेक्टर के करने गया, तब तो काम होयो ना। तो भाई कदम तो आपने ही उठानो पड़ सी, कदम दूसरों को नहीं उठा के आवे थारो, ठीक है। तो यो एक क्रांति लानी है गाँव में, चाहे आप जल की क्रांति बोला, चाहे आप कृषि की क्रांति बोला, चाहे आपा और भी कोई भी क्रांति बोला, वो क्रांति गांव में गांव वाला ही लेके आओगा, आपा सब मिलकर करांगा, मेलोक भी हाँ मेलोक थाने हर चीज में गाइड करांगा, लेकिन क्रांति जो लानी है वो तो गांव वाला नहीं लानी पड़ सकती। ये वो काम
गांव वाला अगर मिलकर करेगा तो काम हो सी। दो साल को टारगेट बोलो 2019 तक गांव में क्रांति होगी तो बोलो पक्की बात। तो आप हरित क्रांति करांगा, आप जल की क्रांति करांगा, आप स्वच्छता की क्रांति करांगा और आप गांव वाला का स्वाभिमान की क्रांति करांगा। ठीक है तो बहुत चुप।